पंजाब की टीम की तरफ से बहुत सारी खबरें निकल कर आती थी आईपीएल 2021 के लिए, उनमें से कुछ और तीन खबरें आपको इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगी, तो वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहली बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं, वो है दोस्तों शाहरुख खान को लेकर। दोस्तों शाहरुख खान के ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी डाल चुके हैं पंजाब की टीम, क्योंकि दोस्तों उनको ये कह दिया गया है जैसा वो विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में फिनिशर का रोल अदा करते हैं उनकी टीमों के लिए, उसी तरह वो पंजाब की टीम के लिए भी करें और नंबर 6 पर आकर अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाए, वो भी आईपीएल में। तो ये बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी दी है पंजाब की मैनेजमेंट दोस्तों शाहरुख खान के ऊपर। तो उन्होंने इस स्टेटमेंट के ऊपर बहुत कुछ कहा है, उन्होंने ये कहा है कि वो पूरा अपना 100% देने की कोशिश करेंगे पंजाब की टीम के लिए, जो कि होगा आईपीएल 2021 में अगर उन्हें प्लेइंग ग्राउंड में रखा जाता है, तो वो पूरी कोशिश करेंगे पंजाब की टीम को जिताने के लिए, फिनिशिंग में अच्छा करके देंगे, ये उन्होंने कहा है। दोस्तों आपका क्या मानना है, शाहरुख खान अच्छा कर पाएंगे पंजाब की टीम के लिए या फिर नहीं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स कमेंट कर देना। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है वेस्ट इंडीज क्रिकेट की तरफ से। पंजाब के खिलाड़ी जो कि वेस्ट इंडीज में खेल रहे हैं, क्रिस गेल, निकोलस पूरन, फैबियन एलन, इन तीनों को लेकर, ये तीनों खिलाड़ी इस समय T20 सीरीज जो हो रही है श्रीलंका के साथ वेस्ट इंडीज की, उसमें खेल रहे हैं और उसमें खास परफॉर्मेंस करके नहीं दिखा पा रहे हैं ये तीनों ही खिलाड़ी। लेकिन दोस्तों ये दो मैच हुए हैं सिर्फ, और आपको पता होगा वेस्ट इंडीज के जो भी खिलाड़ी होते हैं उन्हें एक या दो मैचेस में जज नहीं किया जा सकता दोस्तों, उन्हें लगातार मैचेस खिलाए जाते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस करके जरूर दिखाते हैं। सभी खिलाड़ी ऐसा ही करते हैं वेस्ट इंडीज के, वैसे कुछ होगा दोस्तों। और जो पहला और दूसरा T20 खेला गया श्रीलंका के साथ वेस्ट इंडीज का, इनमें ये तीनों ही खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाया। पहला T20 वेस्ट इंडीज की टीम जीती जिसमें पोलार्ड ने बहुत अच्छी पारी खेली, पोलार्ड ने अकेला धनंजय को 6 छक्के भी लगाए लगातार, और दूसरे T20 में वेस्ट इंडीज हार गई, 117 रनों पर ऑल आउट हो गई थी वेस्ट इंडीज की टीम। और तीसरी खबर है दोस्तों सतीश मेनन को लेकर, जो कि पंजाब टीम के CEO हैं, और इन्होंने बीसीसीआई के ऊपर बहुत कुछ कहा है दोस्तों। वो कहा है कि जो मोहाली का ग्राउंड है नहीं दिया जा रहा पंजाब की टीम को होम ग्राउंड के तौर पर, और बहुत सारी टीमों को होम ग्राउंड नहीं मिल रहा लेकिन पंजाब की टीम को भी नहीं मिल रहा। इन्होंने ये कहा है दोस्तों जो भी पॉलिटिक्स चल रही है बीसीसीआई की पंजाब की टीम के खिलाफ, ये बहुत ही गलत हो रहा है, बीसीसीआई को पंजाब की टीम को भी एक होम ग्राउंड देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पंजाब की टीम ने ऑक्शन में ऐसे खिलाड़ी खरीदे हैं जो कि पंजाब की टीम के लिए मोहाली में अच्छा कर सकते हैं, मोहाली मतलब कि दोस्तों पंजाब टीम का होम ग्राउंड, उसमें अच्छा करके दिखा सकते हैं। ऐसे प्लेयर्स खरीदे हैं जो कि है जायर रिचर्डसन, रैली मिडेड, ऐसे बॉलर्स खरीदे हैं जो कि अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। कुछ ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं जो कि अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं मोहाली के ग्राउंड पर, और भी बाकी जगह करके दिखाएंगे, लेकिन मोहाली में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकते थे कि उनकी पिचेस के हिसाब से, इस वजह से इन विदेशी खिलाड़ियों को खरीदा गया था पंजाब की टीम में, ये सतीश मेनन जी का कहना था। तो दोस्तों आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स कमेंट करना, पंजाब टीम को होम ग्राउंड मिलना चाहिए या फिर नहीं, और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट करना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।